हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स आईक्यू। मैं प्रवीण वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारी जो पिछली वीडियो थी नरेशन की, उसमें हमने असर्टिव सेंटेंस के नरेशन को पढ़ लिया था, और आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसकी नरेशन को भी हम कंप्लीट करें। हम स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की नरेशन को पढ़ेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नरेशन के अंदर जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीन पे कुछ एक वर्ब्स दी गई हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब्स हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है, पहले उनको नोट कर लीजिए कि हम कहाँ पे आस्क का यूज़ करते हैं, कहाँ पे आस्क्ड का यूज़ करते हैं, कहाँ पे डिमांड का यूज़ करते हैं, कहाँ डिमांडेड का यूज़ करते हैं। सो जो ये वर्ब्स दी गई हैं इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है हमें पता है कि एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हम क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। दिस सेंटेंस विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को पूछने के लिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, अब देखिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सो सबसे पहले हम ऐसे जो सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो स्टार्ट होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और हमारे जितने भी मोडल्स हैं इनको हम काउंट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर। सो इनके अंदर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी आर यू रीडिंग माई बुक। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, ये एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग हुई है किससे, एक ऑक्सिलरी वर्ब से। सो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सेड टू को चेंज करेंगे हम आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी। जब भी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा किसी ऑक्सिलरी वर्ब से, तब हम यूज करेंगे या तो इफ का या फिर यूज करेंगे हम वेदर का। इफ या वेदर का यूज करेंगे। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव जो स्टार्ट होगा किसी ऑक्सिलरी वर्ब से। सो हमने यहाँ लिखा ही आस्क्ड मी इफ लिख दिया हमने। अब ये जो पीछे का जो सेंटेंस है हमारा, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, अगर हम इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। अब असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारा सब्जेक्ट है यू, जो सब्जेक्ट है, अब हम यू के बाद जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको लिख लेते हैं। यू आर रीडिंग माई बुक। अब ये जो सेंटेंस है हमारे पास हो गया कैसा, एक असर्टिव सेंटेंस। हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना है। अब देखिए यू हमारा क्या है, एक सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हमारा मी। ही आस्क्ड मी
इफ़ आई, और आर को चेंज करेंगे हम वॉज में. इफ़ आई वॉज रीडिंग, और माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई का पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है हमारा ही, तो हम लिखेंगे हिज बुक. और जब भी हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे हमें सेंटेंस को कैसा रखना है, असर्टिव. सो ये हमारा क्या हो गया, एक असर्टिव सेंटेंस हो गया. जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखें, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सिंपल. हमने यूज किया किसका, इफ का. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें एज एन कंजक्शन जो है वो यूज करना है इफ का. चलिए एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं. हमने एक सेंटेंस लिखा, सी सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट. क्या आप एक स्टूडेंट हो, हमने ये सेंटेंस लिखा. अब इस सेंटेंस के अंदर तो हमारे पास कोई वर्ब भी नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सेड टू को चेंज करेंगे हम आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी, और यूज करेंगे इफ कंजक्शन का. और इसको अगर हम सिंपल में कन्वर्ट करें, यू आर ए स्टूडेंट, आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया हमने. अब यू हमारा क्या है, एक सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. सी आस्क्ड मी इफ आई, और आर को चेंज करेंगे किस में, वॉज में, इफ आई वॉज ए स्टूडेंट. टेंस में हमने पढ़ा था कि हम सिंपल पास्ट को जो है सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में. सो ये हमने देख लिया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, उनको कैसे चेंज किया जाता है. और जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं सभी के सभी यस नो में होते हैं. एक सेंटेंस लिखा मैंने, दे सेड टू मी was he washing his clothes. ये सेंटेंस लिखा हमने. अब जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो यस नो में होते हैं, यस नो के अंदर क्वेश्चन अराइज किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस में. अब देखिए, दे लिखा हमने, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, दे आस्क्ड मी, और किसका यूज करेंगे, इफ कंजक्शन का या फिर वेदर का. अब इस सेंटेंस को अगर हम सिंपल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो वॉज होगा वो ही के बाद आएगा, ही वॉज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, और ही क्या है, हमारा एक थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते. इफ ही हैड बीन, ही हैड बीन वॉशिंग, ही हैड बीन वॉशिंग हिज क्लोथ्स, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट. सो जब भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा, और जब हम उसको इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें इफ कंजक्शन का यूज करना है, और जो टेंस है उनका पता है हम कैसे चेंज करते हैं. ये तो थे ऐसे सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं. अब देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो स्टार्ट होंगे
डब्ल्यू एच वर्ड से। ऐसे सेंटेंसेस जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा शी सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। ये सेंटेंस लिखा हमने जो स्टार्ट हो रहा है एक डब्ल्यू एच वर्ड से और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी, और जहाँ डब्ल्यू एच वर्ड होगा वहाँ हमें इफ या वेदर का यूज़ नहीं करना है, हम एज ए कंजक्शन यूज़ करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड का व्हाट। अब यहाँ देखिए, अब ये जो सेंटेंस है पीछे से, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यूअर है, तो एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और ऑब्जेक्ट हमारा है मी। ही शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय लिखेंगे सबसे लास्ट में। ये तो एक ऐसा सेंटेंस था डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव जहाँ पे कोई वर्ब नहीं थी, हमारे पास कोई मेन वर्ब नहीं थी। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, रोहित आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग हेयर। ये सेंटेंस लिखा हमने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब इस सेंटेंस में आस्क्ड हमारे पास ऑलरेडी है तो ऐसे सेंटेंस में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। रोहित आस्क्ड मी और डब्ल्यू एच वर्ड एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे वहाँ हमारा जो सेंटेंस था वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा था, यहाँ हमने व्हाट का यूज़ कर लिया। अब इस सेंटेंस को अगर हम असर्टिव में कन्वर्ट करें तो हमारा यू सब्जेक्ट पहले आएगा और आर जाएगा बाद में, और ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। सबसे पहले तो यू जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। व्हाट आई और आई के साथ यूज़ करेंगे वॉज का, व्हाट आई वॉज डूइंग, और हेयर को चेंज करेंगे हम देयर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ किया गया है और हमारी मेन वर्ब भी है साथ में। सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको चेंज करते हैं। अब देखिए, कोई ऐसा सेंटेंस जो कैसा हो, नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, नेगेटिव और साथ में क्या होगा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव, जहाँ पे हमें क्वेश्चन भी मिलेगा और नोट का भी यूज होगा, नेगेटिव भी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी डज ही नॉट कम टू स्कूल। ये सेंटेंस लिखा हमने जो कि एक कैसा सेंटेंस है, देखिए नोट का भी यूज़ किया गया है और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी सब्जेक्ट से पहले यूज़ की गई है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, हमने लिखा ही आस्क्ड मी और यूज करेंगे इफ़ का, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, एक ऑक्सिलरी वर्ब से, और डज का यूज़ किया गया है तो ये सेंटेंस कैसा है हमारा, प्रेजेंट इनडेफिनेट का है, तो हमें इस सेंटेंस को चेंज करना है पास्ट इनडेफिनेट में।
सबसे पहले देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही एक थर्ड पर्सन है जिसको हम चेंज नहीं करेंगे, इफ़ ही और सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो डिड नॉट कम टू स्कूल, और लास्ट में हमने यूज़ किया फुल स्टॉप का। तो ये सेंटेंस हमारा ऐसा जो कैसा है, नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है, इसको भी हमने कन्वर्ट करना देख लिया। अब देखेंगे हम ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे क्वेश्चन टैग का यूज़ किया गया है। असर्टिव सेंटेंस के साथ में कोई अगर क्वेश्चन टैग दिया गया है तब हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे, चलिए लिखते हैं एक एग्जाम्पल को। शी सेड टू मी यू लाइक मी, और हमने साथ में लिखा एक क्वेश्चन टैग डोंट यू। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने क्वेश्चन टैग का यूज़ किया है, ये क्वेश्चन टैग है हमारा। अब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब भी चेंज करते हैं तो हम क्वेश्चन टैग को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हमें क्वेश्चन टैग के साथ कुछ भी नहीं करना, हमारा ये जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का इसी को हमें क्या करना है, चेंज करना है। सबसे पहले हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी, और यूज करेंगे इफ या फिर वेदर का। यहाँ पे देखिए हमने एक ऐसी एक्सिलरी वर्ब का यूज किया है और जिसके साथ में क्या दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, इसीलिए हमने यूज किया इफ का। इफ अब यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इफ आई लाइक्ड और मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और हम यहाँ लिखेंगे हर। इस टाइप से हम जो क्वेश्चन टैग होते हैं उनको चेंज करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट स्पीच में हमें क्वेश्चन टैग दिया हुआ मिलेगा, हमें क्वेश्चन टैग के साथ कुछ भी नहीं करना, उसको वहीं पे छोड़ देना है और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहाँ पे साथ में क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर भी दिया मिलेगा, या तो यस में मिलेगा या फिर नो में आंसर मिलेगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है और साथ में हमें एक क्वेश्चन और भी दिया, एक आंसर दिया गया है, और मैंने कहा आई सेड नो। ये हमें क्या दिया हुआ है, एक आंसर दिया हुआ है, या तो यस में मिलेगा हमें आंसर या फिर मिलेगा नो में। ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। ही आस्क्ड मी, सेड टू को चेंज किया आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। हमारा ये जो इंट्रोगेटिव पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ये मोडल एक्सिलरी से स्टार्ट हुआ है इसीलिए हम यूज करेंगे इफ का। और यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा मी के, तो हमने लिखा इफ़ आई कुड हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है हमारा ही, हेल्प हिम। और यहाँ पे जो भी आंसर दिया हुआ मिलेगा, हमें अगर नो दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, या फिर हम लिख सकते हैं आई कुड नॉट कि मैं हेल्प नहीं कर सकता। अगर हमें छोटा सा आंसर देना है, अगर नो लिखा हुआ है तो हम
आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव, अगर यस लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव, मीन्स हमने पॉजिटिव आंसर दिया है अगर यस दिया है तो। सो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करें। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी देखिए वर्ब्स को कैसे चेंज किया जाता है और कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है किसी विश को या फिर डिजायर को। सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर, जो डिजायर और विश को एक्सप्रेस करेगा ऐसा सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर मेनली क्या होंगे? कोई प्रे मिलेगी आपको, विश मिलेगी, कर्स मिलेगा या फिर ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको। ब्लेस आशीर्वाद और कर्स अभिशाप, या कोई विश मिलेगी या फिर कोई प्रे मिलेगी। इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेगी किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, माय मदर सेड टू मी, माय मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस लिखा हमने। और आपको लास्ट में मिलेगा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में। हमें क्या करना है, ये जो वर्ब यहाँ पे आपको प्रे, विश, कर्स या जो ब्लेस है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें यूज करनी है। और यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर यूजफुली पास्ट टेंस का ही यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माय मदर, अब हमें ब्लेसिंग शो कर रहा है ये सेंटेंस, तो हम क्या लिखेंगे, माय मदर ब्लेस्ड मी, और दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। माय मदर ब्लेस्ड मी दैट, अब यहाँ पे यू देखिए, यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माय मदर ब्लेस्ड मी दैट आई, और मे को चेंज करेंगे हम माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस होगा हमारा। लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, सिर्फ जैसी भी वर्ब दी गई है वैसी वर्ब का, और मे को चेंज करेंगे हम किस में, माइट में। चलिए देखते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। दे सेड टू हर, दे सेड टू हर यू मे, हमने लिखा ये सेंटेंस यू मे, यू मे यू डाई, मे यू डाई, ये सेंटेंस लिख दिया हमने। दे सेड टू हर, उन्होंने उससे कहा मे यू डाई। अब ये जो सेंटेंस आपका ये शो कर रहा है किसको, कर्स को। तो हम क्या करेंगे, दे सेड टू को चेंज करेंगे कर्स में, दे कर्स्ड हर, और दैट कंजक्शन का यूज करेंगे दैट, और यू हमारा सेकंड पर्सन है चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा हर। दे कर्स्ड हर दैट शी माइट डाई। सो ऐसे चेंज किए जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, विश है या फिर प्रे है या ब्लेसिंग्स है,
जैसा भी हमारे सेंटेंस के अंदर दिया मिलेगा उसी वर्ब के अंदर हम चेंज करेंगे सेट टू जो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट जिसके साथ में मिलेगा। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहाँ पे हमें मे नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होंगे जहाँ पे हमें मे को अंडरस्टूड करना है। जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने, ही सेड टू मी यू बी हैप्पी, ये सेंटेंस लिखा हमने। यहाँ पे हमारे पास नहीं है मे, सो ऐसे सेंटेंसेस में हमें मे को अंडरस्टूड कर लेना है और माइट का यूज करना है। देखिए सबसे पहले तो ही विश्ड मी और दैट कंजक्शन का यूज किया हमने, तो यहाँ पे यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने लिखा आई और मे के लिए हमने लिख दिया माइट, आई माइट बी हैप्पी, और लास्ट में यूज किया हमने फुल स्टॉप का। सो टेटिव सेंटेंस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मे आपको दिया हुआ ना मिले, वो हमें अंडरस्टूड कर लेना है। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस और जो टेटिव सेंटेंस है उसको पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।